अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की रेसिपी बहुत ही फेमस रेसिपी है, मटका दही भल्ले। ये कराची की बहुत मशहूर रेसिपी है। चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मटका दही भल्ले बनाने में। सबसे पहले मैंने ये 3 भल्ले लिए हैं, इनको पानी में भिगो दिया है और इसे अब 2 मिनट के लिए मैंने दही में इनको डिप करूँगी। एक कटोरी मैंने बूंदी की ली थी और इसे पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसमें चने, आलू, टमाटर, प्याज, सब्ज़ धनिया, ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होगी। ये एक बनाना, इसको मैंने काट लिया। कटिंग करने के बाद इसे मैंने इमली की मीठी चटनी में डिप कर दिया। तकरीबन इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए डिप करना ज़रूरी है। कराची वाले मटके को कैसे फिल करते हैं, चले आइए मिलके देखते हैं। ये है बिल्कुल स्ट्रेट फूड रेसिपी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर में ही कराची के दही भल्लों का मज़ा लीजिए। चले स्टार्ट करते हैं। मटका दही भल्ले रेडी हो चुके हैं, चले आए अब इसको ट्राई करते हैं ये कैसे बने हैं। देखने में तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। वाओ वाओ जी, मज़ा आ गया, बहुत ही सुपर, सेम टू सेम कराची जैसे दही भल्ले, मटका दही भल्ले, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे ट्राई किए थे। अगर आपने ट्राई नहीं किए तो आप मेरी तरह रेसिपी बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।